हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पायनियर एकेडमी बखड़ी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। उससे पहले भी तीन वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज, इसका बेसिक डिफिनेशन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्राफ, इसके रेंज और डोमेन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया था, लोग चौथे प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे। चौथा जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी, उसमें टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसी का सेकेंड फार्मूला है टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इस दोनों फार्मूला को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ तक के फार्मूला को प्रूफ कर लिए थे। तो इसको प्रूफ करने के लिए टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इसको प्रूफ करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा क्या होता है। तो टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूला का हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए लिख लेते हैं टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू क्या लाना हमें। तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इतना हमें प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा और टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पर यदि इसको उस तरफ ले जाए टेन इन्वर्स को, तो ये टेन इन्वर्स इधर अल्फा की तरफ आएगा तो टेन अल्फा बन जाएगा। तो लिख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से टेन को उधर ले जाएंगे बीटा की तरफ, तो टेन बीटा इज इक्वल टू वाई। अब हम लोग दो टर्म प्राप्त कर लिए, एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा और वाई इज इक्वल टू टेन बीटा। अब हम लोग टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है टेन अल्फा का वैल्यू एक्स है और टेन बीटा का वैल्यू वाई है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यदि हम आगे बढ़ें तो लिख सकते हैं, चूँकि टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। इस तरह से ये हो जाएगा वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा।
अब यहाँ से यदि हम वैल्यू रख दें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, टेन अल्फा के बदले एक्स, टेन बीटा के बदले वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से यदि हम लिखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन है इस तरफ आएगा, इन्वर्स बनेगा टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, टेन इधर है इस तरफ आएगा टेन इन्वर्स, अब यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो गया। अब अल्फा के बदले और बीटा के बदले इधर भी मान रख देते हैं, अल्फा के बदले टेन इन्वर्स एक्स और बीटा के बदले टेन इन्वर्स वाई, ये तो पहले से हम लोग मान ही चुके हैं। अल्फा माने थे किसको, तो टेन इन्वर्स एक्स को, बीटा किसको माने थे, टेन इन्वर्स वाई को, तो इसके बदले टेन इन्वर्स एक्स और इसके बदले टेन इन्वर्स वाई लिखेंगे तो हमें आ जाएगा टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली लिख सकते हैं टेन इन्वर्स अल्फा के बदले लिख देते हैं टेन इन्वर्स एक्स प्लस बीटा था तो बीटा के बदले लिख देते हैं टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू, अब जो है RHS में हमने क्या प्राप्त किया था, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्मूला जो है सॉल्व कर लिया। देखते हैं सेकेंड फार्मूला, तो सेकेंड फार्मूला जो दिया हुआ है उसमें वह टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमें इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। यहाँ से लिख सकते हैं टेन इन्वर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स और इधर हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू वाई, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू टेन अल्फा हो गया, वाई का वैल्यू टेन बीटा हो गया। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला उसमें अप्लाई किए थे, इसमें हो जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा क्योंकि माइनस वाला टर्म है ये। तो अब हम लोग टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो लिख सकते हैं चूंकि टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा इंटू बीटा। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के बदले क्या लिखेंगे, टेन अल्फा का वैल्यू एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, टेन बीटा का वैल्यू वाई है अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब टेन है उस तरफ जाएगा टेन इन्वर्स बनेगा, यानी अब हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो अगले स्टेप में लिखते हैं हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन इधर आया तो टेन इन्वर्स बन गया, टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू, अल्फा को मैंने स्टार्ट में ही मान रखा है, क्या किसका वैल्यू, तो टेन इन्वर्स एक्स का, तो अल्फा के बदले लिख सकते हैं टेन इन्वर्स एक्स माइनस बीटा के बदले टेन इन्वर्स वाई,
इज इक्वल टू जो दिया हुआ है आर एस एस में वो लिख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इस तरह से ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दो फार्मूला मैंने कंप्लीट किया, एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का और दूसरा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूला कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला। तो अगले प्रॉपर्टीज में ये चार फार्मूला, एक है टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। अगला फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये सभी फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो चूँकि हम लोग एलेवेंथ में पढ़ ही चुके हैं और फार्मूला का लिस्ट तो दे ही दिया है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग को पता होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। इसी तरह से साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार माइनस वाले के लिए माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्लस वाले के लिए प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वह है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं अल्फा और साइन इनवर्स वाई को मान लेते हैं बीटा। तो पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो गया साइन अल्फा। यहाँ से यदि हम कॉस अल्फा निकालें तो कॉस अल्फा फार्मूला होता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। टेंथ में आप लोग पढ़ेंगे कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा का वैल्यू एक्स है तो एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू साइन बीटा, यानी साइन बीटा का वैल्यू वाई है। जब साइन बीटा का वैल्यू वाई है यहाँ से लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन बीटा का वैल्यू वाई है तो वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए चार वैल्यू हमें मिला, एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा यानी साइन अल्फा एक्स के बराबर है, साइन बीटा वाई के बराबर है, कॉस अल्फा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, कॉस बीटा रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जो प्रूफ होगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला लिखते हैं और उसमें जो जो ये सब वैल्यू जहाँ जो पुट होने वाला होगा पुट कर देंगे, ये फार्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं साइन
अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा क्या है, तो साइन अल्फा एक्स है, कॉस बीटा, कॉस बीटा वन माइनस वाई स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या है, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा क्या है, तो साइन बीटा वाई, ये सब वैल्यू रख लिया। अब इधर से साइन को उस तरफ कर लेते हैं, साइन को जब उस तरफ करेंगे तो हमें आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन है, इधर जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या हो गया, एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया प्रूफ। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देते हैं, अल्फा क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, प्लस बीटा क्या है, साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा वैल्यू है लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग करेंगे क्या, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को प्रूफ कर लेंगे, सेम है उसमें, यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेम कंडीशन में प्रूफ कर लेंगे, साइन अल्फा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, एक कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हम प्रूफ कर दे रहे हैं, तो देखते हैं आगे। अब यदि हम देखें तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा, कॉस इनवर्स वाई को बीटा। तो मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, फिर कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉस इनवर्स इधर आएगा अल्फा की तरफ, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से यदि लिखते हैं तो कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई। अब ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा निकल गया, साइन अल्फा निकाल लेते हैं, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू एक्स, तो एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार कॉस बीटा जो है वाई है, तो साइन बीटा निकाल लेते हैं, साइन बीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अब कॉस बीटा है वाई, तो वाई स्क्वायर। अब हमें चार वैल्यू आया, कॉस अल्फा का मान एक्स, साइन अल्फा का मान रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बीटा का मान वाई, साइन बीटा का मान रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब हम कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं आगे। यदि हम लिखें कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ से लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा के बदले एक्स, कॉस बीटा के बदले वाई, माइनस साइन अल्फा के बदले रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा के बदले रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब कॉस को उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब अल्फा बीटा का मान रख देते हैं, अल्फा के बदले
कॉस इनवर्स एक्स प्लस बीटा के बदले कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये चार फार्मूला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसका अगला फार्मूला भी आप लोग कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई प्रूफ कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, शेष कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि कल अपलोड किया जाएगा। फिलहाल आप लोग पिछले सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहें और जितना भी मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला दिया, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है वो सभी को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि पिछला ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला यदि याद नहीं रहता है तो ये सब कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। और आज जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें ये सब जो फार्मूला प्रूफ हुआ वो एज लाइक क्वेश्चन के रूप में हमें एग्जाम में पूछा भी जाता है। एग्जाम में एज लाइक क्वेश्चन के रूप में आप लोग को ये पूछा जाएगा। तो इसलिए करना क्या है कि हर हाल में सभी फार्मूला को कंप्लीट रखना है, ये मान करके कि ये फार्मूला चैप्टर में यूज होगा तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा नहीं। ये मान करके कि ये भी एक क्वेश्चन है और हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, तभी ये सभी फार्मूला आप लोग कम्प्लीटली याद नहीं कर करके इसको प्रूफ भी करना है, सॉल्व भी करना है, ताकि एग्जाम में यदि पूछा जाए तो उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही।